हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अभी 9:30 हो रहा है और मैं अभी कट कर रही हूँ नेल, क्योंकि मेरा नेल पता नहीं क्यों पैरों में इतनी खुजली हो रही है आज मुझे। और मेरे को लगा नेल के आसपास भी हो रही है, मैं तलवे में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मैंने नेल बढ़ाया था, मन हो रहा है कि काट दूँ मैं नेल को। पता नहीं क्यों इतनी खुजली क्यों हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी परेशान हूँ काफ़ी देर से, फिर मैं अभी बस बैठी हूँ कि चलो काट के देखती हूँ, काट ही देती हूँ यार, क्या बढ़ाऊँ जब इतनी खुजली हो रही है, एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है ऐसी वाली खुजली हो रही है। और ब्रेकफास्ट अभी हमारा हुआ नहीं है, अभी हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सब्जी तो बन चुकी है, जस्ट रोटी बनाना है मुझे, और रोटी बना के मैं और स्पर्श दोनों लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। उसके बाद जो मेरी वीडियो की एडिटिंग है वो होगी। आज मैंने हेयर वॉश किए हैं, थोड़े थोड़े सूख गए, अब मैं कॉम भी करूँगी, सूख गए हैं थोड़े थोड़े। अभी बाबू को मैं नहलाई हूँ, और पता है बाबू क्या किया था अभी, यहाँ पे जो इससे खेल रहा है ना वो इंस्ट्रूमेंट में, जरा देखो, हेलो करो, सी हेलो, जो इंस्ट्रूमेंट आप इसका ग्रीन वाला देख रहे हैं ना, उस ग्रीन वाले इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मैं इधर थी, फोन आ गया था, उस पर मैं बात करने लगी थी 5 मिनट। उसी बीच में ये जो फ्रिज है ना, फ्रिज के ऊपर हमने हाजमोला का, कभी भी हम हाजमोला वगैरह कुछ लेते हैं ना तो एक बोतल ले लेते हैं, उसका बोतल पड़ा हुआ था, उस बोतल को पूरा लेके उसमें डाल दिया था और बैठ के खा रहा था हाजमोला, और तीखा लग रहा था। फिर मैं दौड़े दौड़े गई, मैं बोली क्या खा रहा है, क्या शू ऐसे ऐसे कर रहा था। फिर मैं देखी हूँ ये पूरा इंस्ट्रूमेंट में अपने हाथ मोने के जितने टैबलेट होते हैं सब इसने भर लिया है, और उससे ये खेल रहा था, खा रहा था। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, नेल कट कर लेती हूँ, बहुत ही परेशानी हो रही है। ऊपर कहाँ जा रहे हो? ऊपर नहीं जाना है, चलो नीचे उतरो। मैं यहाँ पे आप लोगों से दिखाने जा रही हूँ, मैंने पर्पल सी चीजें ऑर्डर करी थी तो वो आ चुका है। मैंने इसको ऊपर से खोल दिया था, अंदर से मैंने ओपन नहीं किया है, तो मैं ओपन करने जा रही हूँ अभी। और मैंने मंगाया था, पहले बता दूँ कि एक लिपस्टिक मंगाई थी शायद एक तो मैं वो मंगाई थी, फेशियल मसाजर मंगाई थी, एक मैंने लिपस्टिक मंगाया था। मुझे फेशियल करने के लिए ना फेस मसाजर की जरूरत थी, हैंड से उतने परफेक्टली नहीं हो पा रहा था, वैसे हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसी वजह से मैं ट्राई करना चाह रही थी इसको। तो यहाँ पे देखिए ये 5 in 1 ब्यूटी केयर मसाजर, और देखती हूँ ट्राई करने के बाद मैं इसकी रिव्यू आप लोग साथ शेयर करूंगी। अभी मैं रिव्यू नहीं शेयर करूंगी, कैसा है, कैसा वर्क करता है, हमारे फेस पे मसाज होता है वो कितना परफेक्टली होता है, ये चीजें मुझे देखनी है। और ये मैंने लिपस्टिक मंगाया था, मुझे रेड, मैं प्रॉपर रेड कलर मुझे मंगाना था, देखती हूँ कौन सा कलर है, क्योंकि ऐसे ना पता है क्या होता है ऑनलाइन में पता नहीं चलता है, अगर किसी का देख रहा हो, जैसे मैं रिव्यू करती हूँ मैं दिखा देती हूँ कि हाँ ये बिल्कुल रेड है, लेकिन ये कलर मैंने कोई भी रिव्यू मैंने नहीं देखा था। तो ये है एनवाई बे की लिपस्टिक, और ये देखिए इस तरीके से है कुछ पैकेजिंग, देखती हूँ कैसा कलर है क्या है। मुझे एकदम रेड चाहिए था, एकदम रेड, तो देखती हूँ क्योंकि इसी मेरे पास है लिपस्टिक तो बहुत सारी है और रेड भी है, लेकिन जो मुझे को ना अचानक से ये मुझे दिख गया, देखती हूँ ऊपर से तो यहाँ रेड दिख रही है, लेकिन लगाने के बाद दिखाती हूँ। यहाँ तो ओपन करने के बाद भी ये रेड दिख रही है, आप लोग रेड देख रहे हो ना, मुझे रेड लिपस्टिक इतनी पसंद है, मेरे पास ना 50 भी रहे ना रेड लिपस्टिक मेरा मन नहीं भरेगा, इतना मुझे ज़्यादा पसंद है। यहाँ शेड लगा के दिखा देती हूँ, और या इवनिंग में मैं इसको अप्लाई करूंगी ना तो आप लोगों से दिखाऊंगी। ये देखिए रेड है ना, रेड अच्छा लग रहा है, लगाऊंगी इवनिंग टाइम में ना, ये निकल जाएगा, अभी तो दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी लंच बना रही हूँ मैं, तो बाद में दिखाऊंगी कैसा है। एकदम मुझे ना ये नेल पेंट है ना इसमें का रेट चाहिए था, और है वैसे अच्छा, लगाने के बाद देखूं कैसा लग रहा है बताना। और स्पर्श यहीं पे देख रहा है कि लिपस्टिक आया है, लिपस्टिक आया है, स्पर्श तो लिपस्टिक लगा दो, दो लिपस्टिक लगा दो, टुक 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 लिपस्टिक लग गया। देखिए स्पर्श में दिखाती हूँ कहाँ से देख रहा है, देख यहाँ बैठ के देख रहा है, यहाँ मैं नीचे बैठी हूँ, लाइट नहीं है ना तो मैं इसलिए यहाँ बैठी हूँ, यहाँ स्पर्श बैठा है।
यहाँ मैं आ गई हूँ किचन क्लीनिंग करने के लिए, और किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था और ऑयली ऑयली गैस हो गया था, तो उसको मैं यहाँ पे अच्छे से स्क्रबर से साफ़ कर रही हूँ। बाबू मेरे पीछे आके लुढ़क रहा है, क्योंकि जब थोड़ा बहुत काम करो तो बच्चों का तो ऐसा होता ही है। और मेरे विंडो के पास ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूरा ऑयली ऑयली हो गया है और इस पर दाग पड़ जाते हैं। वैसे तो मैं साफ़ करती हूँ, पोंछती भी हूँ, लेकिन नीचे जो दी है ना, उन्होंने बोला कि शारिका यहाँ पर ना एल्युमिनियम फॉइल लगा दो विंडो के पास, क्योंकि उनको सेम ऊपर नीचे सब ऐसी बनी हुई है। तो उन्होंने अपने विंडो के पास ऐसे लगाया तो नहीं, लेकिन उनका विंडो थोड़ा सा ऊपर है, तो मैं सोच रही हूँ लगा के देखती हूँ, लेकिन वही है, फिर वो निकालना पड़ेगा या फिर निकल जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि ये विंडो तो उतनी इधर से तो खुलती नहीं, अगर खुलना होता है तो बाहर से ही खुलता है। यहाँ थोड़ा बहुत जैसे पकौड़े वकड़े बनाते हैं तो उसके बेसन रहते हैं तो वो चिपक सा जाता है, तो आज मैंने सोचा कि अच्छे से इसकी क्लीनिंग करूँ, पूरा स्क्रबर से डिशवॉश लगा के, और उसके बाद फिर कपड़े से मैं अच्छे से सूखे कपड़े से पोछूंगी, पहले कपड़ा गीला करके उसके बाद अच्छे से फिर साफ़ करके। इस तरीके से जो मेरा किचन है ये बिल्कुल चमक जाएगा इस टाइम पे, और काफ़ी दिनों बाद ऐसे मैं कर रही हूँ। वैसे तो गैस वगैरह तो डेली साफ़ होता है, लेकिन पूरा विंडो वगैरह ऐसे नॉर्मल पोछ देती हूँ, लेकिन साबुन लगा के नहीं पोछती हूँ। तो बस आज ऐसे देखिए कितना क्लीन हो गया मेरा किचन, और साइड वाला जो आप एक देखते हो ना बास्केट, उसको मुझे एक दिन क्लीन करना है, मैंने यही सोचा अब एक दिन मैं उसको करूँगी, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल रखती हूँ, उसमें ऑयली ऑयली सा हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से ना गर्म पानी से मुझे क्लीन करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, तो मैं उसको दूसरे दिन करूँगी। यहाँ देखिए किचन क्लीन हो चुका है। इवनिंग, शाम के बज गए हैं 6 और मेरी किचन क्लीनिंग हो चुकी है। थोड़े से बर्तन में तो मुझे वॉश नहीं करने थे, तवा मैंने निकाला था, क्योंकि रात में फिर मैं लोहे वाले तवे पे ही रोटी बनाऊंगी, नॉन स्टिक पे मैंने बनाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि रोटी बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है। और अभी मैं एक बर्गर बनाऊंगी स्पर्श के लिए, एक टिक्की बना के पहले रख दी थी, उसके बाद मैं किचन क्लीनिंग करी, और मैं जो लिपस्टिक मंगाई थी वहीं वाली लिपस्टिक मैं लगाई हूँ। ये सेट देखो आप, रेड कलर में ही है, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। और नाश्ते में इनके लिए क्या बनाऊंगी ये भी मैंने डिसाइड नहीं किया, या फिर चिप्स में इनको फ्राई कर दूंगी, काढ़ा और चिप्स हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें लेके आनी है, जैसे रिफाइन ऑयल ख़त्म हो गया है और हींग ख़त्म हो गया है, किचन की बहुत सारी स्पर्श का बिस्किट पार्ले जी या फिर मैरी, ये भी दोनों में से ख़त्म हो गया, पार्ले जी एक पैकेट है, तो बिस्किट भी लेना है। वैसे भी मंथ लास्ट है ना, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है खाने पीने की, किचन खाली खाली हो जाता है एकदम, कुछ नहीं बचता है लास्ट टाइम, तो वही हाल इस टाइम भी हुआ है। और क्या हुआ बाबू, घूमने चलना है? अभी ले जाऊंगी स्पर्श को, पहले बर्गर बना लेती हूँ, 6 बज रहा है। वैसे पता है 6:30 तक अंधेरा अंधेरा हो जाता है ना आज के टाइम में, और इसके पहले तो फिर भी 20 दिन तक, तो 20 दिन पहले ठीक था, काफ़ी लेट होता था, लेकिन इस टाइम पे बहुत जल्दी हो जा रहा है। और एक बर्गर उसमें से मैं भी खा लूँगी और स्पर्श भी खा लेगा, दोनों लोग हम लोग खा लेंगे, क्योंकि एक बर्गर बन रखा हुआ था, टिक्की भी बना ली, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको सेकना रहेगा और कुछ नहीं करना है। थोड़े से मिलती हूँ, जिया निकाल के रखी हूँ, 1 केला और होगा, फ्रिज में छूट गया, इसको मैं सोच रही हूँ मॉर्निंग के लिए कट कर लूँगी। और ये आलू गोभी इस टाइम बनाऊंगी, एक गोभी बनाऊंगी, थोड़ी सी सब्जी, और बैंगन को ना छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके बनाऊंगी, मन हो रहा है खाने का, तो ये इस टाइम हो जाएगा और वो मॉर्निंग में हो जाएगा। यहाँ पे माँ बेटे दोनों का नाश्ता बन गया है, और स्पर्श देखिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, उसका पूरा फोकस ना वो बर्गर और बर्गर पे ही था, बोल रहा था मम्मा बर्गर बर्गर को गर्गर बोलता है। भून ली हूँ इसको, प्याज सॉफ्ट हो चुका है प्रेशर कुकर में, बस मुझे उसमें मसाला डालना है और आलू गोभी डालूंगी, सब्जी तैयार हो जाएगा। आटा यहाँ गूंथ के रख ली हूँ और फ्राई करने जा रही हूँ, मैं आज मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करने जा रही हूँ, क्योंकि आज मैं कोई नाश्ता नहीं बनाई हूँ, कुछ भी बर्गर था तो एक ही था, एक ब्रेड मैंने खा लिया, मैं और स्पॉर्च नहीं, और इनके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो वैसे तो नमकीन दे दूंगी, लेकिन ये वाला चिप्स मैं फ्राई कर ले रही हूँ। स्पॉर्च कहाँ हो, लाइट नहीं है क्या? तो फिर लाइट क्यों चल नहीं रहा था? ये आ चुके हैं, सामान खरीद रहे हैं, सब्जी तो खरीदना ही पड़ता है, तो सब्जी ले रहे हैं, सब्जी में मसाला मैंने डाल दिया, और वो उसमें बस अब आलू गोभी डालना है मुझे, और रोटी बनाना है, और थोड़ा सा जो बैंगन को रखी हूँ उसका बनाना है, बस इतना ही है।
यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। उनको नाश्ता वगैरह जो भी देना था वो मैं दे चुकी हूँ और मैं बैंगन फ्राई बनाने जा रही हूँ। बहुत टेस्टी लगता है और आज तो बिल्कुल खाने का कुछ ज़्यादा ही मेरा मन हो रहा था, तो यहाँ पे मैं स्लाइसेस में इसको कट कर ले रही हूँ। पहले ही मैंने बैंगन को वॉश कर लिया था और ये थोड़ा सा ना साइड साइड से टूट गया था, पता नहीं क्यों टूट रहा था। वैसे टूटना तो नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा टूट जा रहा था ये, तो मैं इसको इस तरीके से एकदम पतला नहीं कट करना होता है, मोटा कट करना होता है। आप लोग ना अगर नहीं बनाते हो तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है ये खाना के साथ। 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ और बेसन डालने के बाद इसमें, इसके पहले मैं जब बनाई थी चावल का आटा भी डाली थी लेकिन अभी नहीं डाल रही हूँ, ये वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाली हूँ उस 2 चम्मच बेसन में, उसके बाद मैं जीरा पाउडर डाली हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। और इसमें ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, आपके घर में जो सामान है उससे बनाओ, चावल दाल या फिर रोटी सब्जी बनाए हो उसके साथ भी आप इसको खा सकते हो अलग से। तो उसके बाद यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, उसके बाद हल्दी पाउडर थोड़ा सा और नमक डाल दूँगी। ये डाल के मिक्स कर दूँगी और उसका एक पाउडर को ना मिला दूँगी नमक इसमें, उसके बाद इस तरीके से कोटिंग कर दूँगी ड्राई ही, और इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। छोड़ने के बाद क्या होता है ना, ये जिसको नमक है वो थोड़ा सा ना पानी छोड़ने लगता है तो ये फिर पूरा जो मसाला है चिपक जाता है। उसके बाद आप इसको तवे पर फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ्राई करने जा रही हूँ, पूरा खाना बन चुका है, रोटी सब्जी सब कुछ बन चुका है, लास्ट लास्ट ये बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरे अच्छे से ये कोटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स अभी मैं आपके साथ रिव्यू करने जा रही हूँ रूप मंत्रा के फेशियल किट का। मैं यहाँ पे अभी फेशियल करके नहीं दिखाऊंगी स्टेप्स, मैं इसके बाद जो रिव्यू करूंगी ना उसमें आपके साथ पूरा फेशियल का स्टेप्स दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने जो मंगाया है मैं उससे करूंगी। तो चलिए यहाँ पे मैं इसका रिव्यू कर देती हूँ। ये है रूप मंत्रा का पर्ल फेशियल किट। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ चारकोल का मैंने शेयर किया था, और ये पर्ल फेशियल किट है, इससे आपकी जो स्किन है वो फेयर होती है। और इसमें 5 स्टेप दिए हुए हैं, जैसे कि सब में होता है क्लिजरिंग मिल्क, स्क्रब, जेल, उसके बाद देन यूज करना होता है पैक, उसके बाद है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। पैकेजिंग कुछ जैसे कि इसके पहले मैंने शेयर किया है उसी तरीके से है। और इसके बेनिफिट्स क्या है ये सबसे पहले मैं बता देती हूँ। और प्राइस इसकी प्राइस 398 रुपीज है, सेल्फ लाइफ 1 ईयर की दी हुई है। तो ये आपके स्किन के टोन को लाइट करता है, ब्राइट करता है और फेयर स्किन देता है। और ये आपको अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है। जैसे किसी किसी की ड्राई स्किन होती है ना, तो वो फेशियल कराने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, लेकिन इस फेशियल के साथ किट के साथ नहीं है। आप इससे फेशियल करोगे अगर आपकी ड्राई स्किन है तो वो अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाएगी। आपकी स्किन डेड स्किन अगर फेस पे होते हैं उसको रिमूव करता है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम को दूर करता है, व्हाइट हेड अगर आपके फेस पे है उसकी भी प्रॉब्लम को भी दूर करता है। क्योंकि इसमें जो स्क्रब होता है ना वो बिल्कुल हार्ड नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, और सॉफ्टली अगर स्क्रब होता है तो हम काफी देर तक अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं। और ये डार्क स्पॉट अगर होता है धीरे धीरे गायब हो जाएगा, सॉरी अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट है तो वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। आपके स्किन को काफी ज्यादा सॉफ्ट बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा। चलिए मैं इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे इसकी, याद रखिएगा इसकी सेल्फ लाइफ 1 ईयर है, तो आप इसको ज़्यादा दिन तक इसको रख नहीं सकते हो। जैसे मुझे इसको यूज़ करना है अभी, तो यहाँ पे दे दिया गया है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4, 5। जैसे कि पहली बार मैंने बताया क्लिजरिंग मिल्क से आप अपने फेस को साफ करोगे, देन आप अपने फेस को अच्छे से स्क्रब करोगे, कम से कम 5 मिनट स्क्रब करना, ताकि आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या फिर डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद है स्टेप 3 मसाज जेल। मसाज आपको 15 से 20 मिनट तक आपको अपने फेस में मसाज करना है, क्योंकि इससे ही हमारी जो फेस के ब्लड सर्कुलेशन होते हैं वो बढ़ते हैं और हमारी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग होती है। देन आपको यूज करना है फेस पैक। फेस पैक जब भी आप लगाओगे उसको सूखने देना, जब अच्छे से वो ड्राई हो जाए, वॉशिंग पे है वो, अच्छे से जब ड्राई हो जाए तब आप निकालना, क्योंकि इसके पहले भी मैं आप लोग के साथ फेशियल जो स्टेप्स है मैं आप लोग से शेयर करी हूँ। देन 5 स्टेप जो है वो नरिशिंग क्रीम है। जब आप फेस पैक उतारोगे तब थोड़ी स्किन ड्राई होती है, उसी को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के लिए नरिशिंग क्रीम दी होती है, जिससे अगर आप फेस पैक, कोई भी आप फेस पैक यूज करोगे ना उसके बाद स्किन थोड़ी सी ड्राई हो ही जाती है, तो उससे आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी। देन आप इसको, इसका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो। और ये फेशियल किट आपको
मेडिकल शॉप पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। अगर आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप अपने लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं, कोई भी मेडिकल शॉप पे रूपमंत्रा के जहां प्रोडक्ट मिलते होंगे, क्योंकि रूपमंत्रा के जो भी प्रोडक्ट होते हैं हर्बल होते हैं, कोई भी केमिकल नहीं होता है और बिल्कुल ये आयुर्वेदिक होता है। आप सब लोगों को पता होगा रूपमंत्रा का नाम। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ स्पर्श और ये दोनों लोग खेल रहे थे और ये ट्रेन चलाते हैं, स्पर्श ट्रेन बना रहता है, तो इस तरीके से इन लोगों की मस्ती चलती है। चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।